गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज़ वरुणा शर्मा एंड नाउ वी आर इन 11th क्लास। बेटा अभी हम 11th क्लास में हैं और जैसे कि हमारा एक लंबा सेशन चलता आ रहा है क्लासिफिकेशन का, आज हम ले रहे हैं क्लास एम्फीबिया यानी सब फाइलम वर्टिब्रेटा का, जो हमने किया था सेक्शन ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा में हम आज कर रहे हैं, तो उसको फिर हमने डिवाइड किया था सुपर क्लास पाइसिस में, सुपर क्लास टेट्रापोडा में। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा, और सुपर क्लास टेट्रापोडा की जो फर्स्ट क्लास है क्लास एम्फीबिया। जो टेट्रापोडा है, जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, टेट्रा मीन्स फोर, पोडा मीन्स लेग्स और आर्म्स, ऐसे एनिमल्स जिनमें फोर आर्म्स होंगे, या हम ये कह सकते हैं कि जैसे अब एनिमल्स हैं वो झुक के चलते हैं तो उसमें दो आगे वाले पैर और दो पीछे वाले पैर, तो टोटल जो लेग्स हो गए वो कितने हो गए, फोर हो गए। तो इस तरीके से फोर लेग्स जिनमें होंगे, फोर आर्म्स जिनमें होंगे, वो एनिमल्स होंगे क्लास टेट्रापोडा के मेंबर्स। और क्लास टेट्रापोडा की जो फर्स्ट क्लास है वो क्या है आपकी, एम्फीबिया। तो आज हम बात करेंगे एम्फीबिया पर। एम्फीबिया, एम्फी मीन्स बोथ, एम्फी मीन्स बोथ एंड बिया इज रिलेटेड टू लाइफ, यानी ऐसे एनिमल्स जिनकी लाइफ दो जगह अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगी। दो जगह करने का मतलब ये टेरेस्ट्रियल भी हैं और ये एक्वेटिक भी होंगे, यानी ये कुछ टाइम तो ज़मीन पर रहेंगे लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की ज़रूरत पड़ेगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी में जाना पड़ेगा। इसीलिए इनकी जो लाइफ साइकिल है वो दो जगह, या हम ये कह सकते हैं कि ये दो जगह अपना टाइम स्पेंड करते हैं, लाइफ स्पेंड करते हैं, पानी में भी और ज़मीन पर भी। इसीलिए इनको हम कहते हैं एम्फीबियंस, और क्लास का नाम भी इसी फीचर के ऊपर बेस्ड है, क्लास एम्फीबिया। फॉर एग्जांपल, जो इसका बहुत ही यूनिक एग्जांपल है, कॉमन आप सबने देखा होगा फ्रॉग, फ्रॉग सभी ने देखा होगा। तो फ्रॉग आपने देखा होगा ज़मीन पे भी उछलते हुए, और कई बार आपने पानी में, पॉन्ड वगैरह में भी देखा होगा। तो इसीलिए दोनों जगह अपनी लाइफ साइकिल ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो जनरली दे लिव्स इन फ्रेश वाटर एंड मॉइस्ट लैंड। लैंड पर रहेंगे तो कीचड़ होनी चाहिए, नमी होना चाहिए वहाँ पर, तो मॉइस्ट लैंड पर, और फ्रेश वाटर में दे आर इजीली अवेलेबल। सी वाटर में बहुत कम फॉर्म्स इनकी मिलती है, रेयरली फाउंड होते हैं ये, जनरली दे फाउंड इन फ्रेश वाटर। फाइन, नेक्स्ट, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लेते हैं तो दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड तो हमने पाइसिस भी किए थे, बट पाइसिस वर एक्वेटिक फॉर्म, वो सुपर क्लास पाइसिस में थे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा की फर्स्ट क्लास एम्फीबिया। तो यहाँ पर ये कोल्ड ब्लडेड हैं बट टेरेस्ट्रियल हैं, तो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ एडवांसमेंट आ गई है कि जो फिशेस थे एक्वेटिक कोल्ड ब्लडेड थे, और अब ये जो हैं टेरेस्ट्रियल कोल्ड ब्लडेड हैं। कोल्ड ब्लडेड तो एज यू नो, जितने भी नए बच्चे आज इस वीडियो में जुड़ रहे हैं वो जान लें, कोल्ड ब्लडेड कौन है, ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते, जो अपनी बॉडी, जिनकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है, उनको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। फाइन, नेक्स्ट, एम्फीबियस नेचर। एम्फीबियस नेचर ऑलरेडी अभी हमने एक्सप्लेन किया ही है कि एम्फी मीन्स बोथ, दोनों जगह ये जो है हैबिटेट, या हम ये भी कह सकते हैं इन एनिमल्स को टू हैबिटेट्स रिक्वायर्ड हैं अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, वाटर भी और लैंड भी। तो दो जगह ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, इसीलिए हम इनको कह रहे हैं एम्फीबियस नेचर है इन एनिमल्स का। नेक्स्ट देखिए, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू पार्ट्स में डिवाइड होगी यहाँ पर। फर्स्ट इज हेड एंड सेकेंड वन इज ट्रंक। यहाँ पर दो, जैसे फ्रॉक को आप देखो दिमाग में बिठा लो, तो हेड रीजन है और पीछे ट्रंक रीजन है, ना तो नेक वहाँ पर दिखाई देती, नेक नहीं पता चलता कहाँ है ही नहीं नेक, और टेल, टेल एब्सेंट है। लेकिन टेल में यहाँ कंडीशन है कि टेल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, बहुत सारे वेरिएशंस हैं, तो कहीं टेल है और कहीं पर टेल नहीं है, बट हेड और ट्रंक तो सभी एनिमल्स में प्रेजेंट है। वैसे फ्रॉग में भी अगर हम लें तो फ्रॉग की जो लार्वा है, टेडपोल लार्वा,
उसमें टेल होती है, लेकिन अडल्ट में आते आते मेटामॉर्फोस मॉर्फोसिस के थ्रू जो चेंजेस आ जाते हैं, उन चेंजेस में जो टेडपोल लार्वी है, टेल लार्वी है, वो जो है टेललेस एडल्ट में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट देखिए आप, स्किन इज स्मूथ एंड रफ। जो स्किन है वो स्मूथ है और थोड़ी सी रफ भी स्किन है, यानी इस टाइप का वेरिएशन यहाँ पर है। साथ साथ यहाँ पर स्किन में कुछ एक मॉइस्ट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो स्किन के अंदर जो है मॉइस्चर मेंटेन करके रखती हैं, क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं स्किन से रेस्पिरेशन भी करते हैं, तो उस रेस्पिरेशन पर्पज़ के लिए ये जो है मॉइस्चर मॉइस्ट ग्लैंड प्रेजेंट है स्किन में, और मॉइस्चर टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराती रहती हैं। नेक्स्ट, दीज एनिमल्स आर यूजुअली विदाउट स्केल्स। जनरली इनमें स्केल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं, बट ध्यान ये रखना है कि इसका एक ग्रुप है, यानी अगर हम लें तो क्लास एम्फीबिया की भी एक सब क्लास है एपोडा के जो मेंबर्स हैं वो है सिलियंस, जो सिसिलियंस हैं, इन सिसिलियंस में स्केल्स प्रेजेंट होता है। तो सिसिलियंस आर द एनिमल्स विच बिलोंग्स टू एम्फीबिया एंड दीज आर लिम्बलेस एंड स्केली एम्फीबियंस। लिम्बलेस होते हैं तो ये जो हैं वर्म लाइक होते हैं, रेंग कर चलते हैं थोड़ा थोड़ा, तो वर्म लाइक इनकी अपीयरेंस होती है। सो दीज आर लिम्बलेस एंड स्केली, इनमें स्केल्स प्रेजेंट है, सिसिलियंस में स्केल्स प्रेजेंट है, अदरवाइज स्केल्स इनमें एब्सेंट होते हैं। ध्यान रखेंगे आप ये फीचर। नेक्स्ट, पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट। पेयर्ड फिन्स इनमें नहीं है, बट जो इसकी एक्वेटिक फॉर्म्स हैं उनमें अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होंगे। फाइन, नेक्स्ट देखिए, गिल्स आर प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज। गिल्स यहाँ पर लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, बट अडल्ट में लंग्स आ जाते हैं उसकी जगह, लंग्स जो है वो गिल्स को रिप्लेस कर देते हैं। बट ये भी एक करेक्टरिस्टिक फीचर है यहाँ पर, और इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोरिलेट भी करते हैं पाइसेस के साथ, कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो गिल्स हैं और टेरेस जो एडल्ट फॉर्म है वहाँ पर वो लंग्स डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पर इवोल्यूशनरी कोरिलेट भी करते हैं पाइसेस और एम्फीबियंस में गिल्स की प्रेजेंस का होना। बट साथ साथ यहाँ पर दो एग्जांपल हैं, एक तो नेक्ट्यूरस एंड प्रोटियस। दीज टू एनिमल्स, ध्यान दें नाम पर, नेक्ट्यूरस एंड प्रोटियस, दीज टू एनिमल्स हैव एक्सटर्नल गिल्स एंड लंग्स, दोनों प्रेजेंट हैं यहाँ पर। फाइन, स्कल इज डाइकंडाइलिक, यूनिक फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। यहाँ पर डाइकंडाइल है, मीन्स डाई मीन्स टू, एंड कंडाइलिक क्या हो गए, ऑक्सीपिटल कंडाइल्स। तो यहाँ पर स्कल में टू ऑक्सीपिटल कंडाइल्स होते हैं, और वो कंडाइल्स का काम क्या है कि वर्टिब्रल कॉलम के साथ प्रॉपर अच्छे से आर्टिकुलेट कर सकें। तो यहाँ पर क्या हैड जो है, हेड यानी स्कल में टू ऑक्सीपिटल कंडाइल्स हैं, और वो हेल्प करते हैं जो वर्टिब्रल कॉलम के साथ इजीली आर्टिकुलेट करने में, यानी यहाँ पर जो है वर्टिब्रल कॉलम इजीली आर्टिकुलेट कर पाता है स्कल के साथ। फाइन, नेक्स्ट आप देखिए हार्ट, सॉरी नेक्स्ट जो है हमारा रेस्पिरेशन है फीचर। रेस्पिरेशन देखिए आप, रेस्पिरेशन यहाँ पर है एरोबिक रेस्पिरेशन है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल फॉर्म, एक्वेटिक फॉर्म, चाहे कोई भी हो, एरोबिक रेस्पिरेशन है। एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं यहाँ पर लंग्स हैं, गिल्स हैं, माउथ एंड स्किन, फोर यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। जैसे मॉइस्ट लैंड पर अगर प्रेजेंट है तो लंग्स का स्किन यूज़ कर रहे हैं, अगर एक्वेटिक मीडियम में है तो गिल्स का यूज़ हो रहा है ब्रीथिंग के लिए, और अगर एक्वेटिक मीडियम में है और बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, क्योंकि वाटर में तो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसी से एब्जॉर्ब करेंगे, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एनिमल जो है मुंह खोल लेता है और माउथ के थ्रू, यानी जो बक्को फेरिंजियल कैविटी है, उस बक्को फेरिंजियल कैविटी और माउथ कॉमनली हम कह सकते हैं,
तो ध्यान रखेंगे बक्को फेरिंजियल कैविटी और माउथ के थ्रू भी रेस्पिरेशन यानी एयर को ट्रैप करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, और स्किन के थ्रू भी, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड है, हाइबरनेशन में जब जाएंगे यानी विंटर स्लीप होगा, हाइबरनेशन होगा, उस वक्त यहाँ पर स्किन के थ्रू धीरे धीरे ये एब्जॉर्ब करेंगे ऑक्सीजन को, तो वहाँ पर स्किन से यूज़ करेंगे ये रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो लंग्स हैं, गिल्स हैं, माउथ एंड स्किन। तो माउथ का आप ध्यान रखेंगे बक्को फेरिंजियल कैविटी भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए हार्ट। हार्ट जो है यहाँ पर थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल, यानी टू तो ऑरिकल है अपर चैम्बर्स और जो वेंट्रिकल है वो सिंगल वेंट्रिकल यहाँ पर होगा। फाइन। इनमें जो है हार्ट में साइनस वेनोसस और जो है ट्रंकस आर्टेरियोसस ये भी यहाँ पर प्रॉपर प्रेजेंट होगी, यानी जो है ट्रंकन जो यहाँ पर जो है ट्रंकस आर्टेरियोसस और साइनस वेनोसस प्रॉपर यहाँ प्रेजेंट होगी हार्ट के अंदर। फिर इसी में हिपैटिक और रीनल पोर्टल सिस्टम भी प्रेजेंट होंगे। हिपैटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम्स आर वेल डेवलप्ड इन दीज एनिमल्स। नेक्स्ट देखिए RBCs, जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं, दीज रेड ब्लड कॉर्पसल्स आर बाई कन्वेक्स ओवल एंड न्यूक्लिएटेड, यानी न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। शेप की बात करें तो ये जो है ओवल होंगी और बाई कन्वेक्स होंगी। यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन ही होता है इन एनिमल्स में। तो देखिए यहाँ पर थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, ये तीनों के तीनों जो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड पॉइंट हो गए। तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, अपर टू ऑरिकल्स एंड वन लोअर वेंट्रिकल, फिर साइनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस प्रॉपर प्रेजेंट है, हिपैटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम्स यहाँ प्रॉपर प्रेजेंट हैं, साथ साथ जो RBCs हैं बाई कन्वेक्स हैं, ओवल हैं एंड न्यूक्लिएटेड हैं। क्लियर। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन के लिए प्रॉपर यहाँ पर किडनीज प्रेजेंट हैं, और किडनी भी कैसी है यहाँ पर मीजोनेफ्रिक, मींस यहाँ पर मीजोनेफ्रिक किडनीज प्रेजेंट हैं, और साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर इज वेल डेवलप्ड इन दीज एनिमल्स। फाइन। नेक्स्ट देखिए लार्वी, ये यूरिनरी ब्लैडर ऑलरेडी प्रेजेंट है। नेक्स्ट फीचर आप देखिए, लार्वी इज एंड टेल्ड एम्फीबियंस जो होंगे, ये भी एक्सक्रीशन से ही रिलेटेड पॉइंट है कि जो लार्वी हैं और जो टेल्ड एम्फीबियंस हैं वहाँ पर तो चीफ नाइट्रोजिनस मटेरियल अमोनोटैलिक होगा, मींस चीफ नाइट्रोजिनस मटेरियल जो है वो अमोनिया होगा, बट जो फ्रॉग्स एंड टोड्स हैं, इन फ्रॉग्स एंड टोड्स में जो चीफ नाइट्रोजिनस मटेरियल है वो यूरिया होगा। सो फ्रॉग्स एंड टोड्स आर यूरियोटैलिक, ध्यान रखेंगे इस बात का, लार्वी एंड टेल्ड एम्फीबियंस आर अमोनोटैलिक एंड फ्रॉग्स एंड टोड्स आर यूरियोटैलिक। ये जो पॉइंट है आपके मीजोनेफ्रिक किडनी होगा, यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट एंड अमोनोटैलिक होंगे लार्वी एंड टेल्ड एम्फीबियंस, फ्रॉक्स एंड टोड्स यूरियोटैलिक होंगे, ये जो पॉइंट्स हैं दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीशन। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर इन एनिमल्स में क्लोएका प्रेजेंट है। क्लोएका इज ए चैम्बर है, एक चैम्बर है क्लोएका, क्लोएका में जिसमें थ्री डक्ट्स आकर मिलेंगी, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट वहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर से जो आ रही है ट्यूब, यानी यूरिनरी जो ट्रैक्ट है वो, या डक्ट हम कहें, एलिमेंट्री केनाल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव डक्ट, ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव डक्ट, ये तीनों मिलकर एक कॉमन चैम्बर में ओपन होती हैं एंड दिस चैम्बर इज नोन एज क्लोएका। एंड क्लोएका जो है ये ओपन होगा क्लोएकल अपर्चर के थ्रू, तो मीन्स यहाँ पर क्लोएका
एंड क्लोइकल अपर्चर आर प्रेजेंट, दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है, क्लोइका भी और क्लोइकल अपर्चर। क्लोइकल अपर्चर जो है क्लोइका की ही ओपनिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है और ये इसका एक इम्पॉर्टेंट यूनिक फीचर भी है। साथ साथ आप देखें यहाँ पर ईयर, ईयर जो है प्रेजेंट है, इंटरनल ईयर और मिडल ईयर। ईयर यहाँ पर इंटरनल ईयर एंड मिडल ईयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ईयर यहाँ एब्सेंट होता है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं है। और जो मिडल ईयर है वो टिम्पैनम से कवर्ड है, टिम्पैनम कवर करेगा, तो टिम्पैनम इज कोरिलेटेड विथ मिडल ईयर। और उसके बाद जो है फिर वो आगे लीड्स कर जाएंगे किस में, इंटरनल ईयर में। तो ईयर जो है यहाँ पर इंटरनल एंड मिडल ईयर की फॉर्म में होगा एंड मिडल ईयर इज कवर्ड बाय टिम्पैनम। नेक्स्ट देखिए निक्टिटेटिंग मैम्ब्रेन, आईज को कवर्ड करने के लिए निक्टिटेटिंग मैम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट है, वेल डेवलप्ड है। हालांकि लिड्स भी प्रेजेंट है, यहाँ पर कुछ एक एनिमल्स ऐसे हैं यानी काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनमें आईलिड्स प्रेजेंट है, तो आईलिड्स भी प्रेजेंट है, बट जब उनको जाना पड़ता है एक्वेटिक मोड में, तो उस एक्वेटिक मोड में जाने के लिए उनको निक्टिटेटिंग मैम्ब्रेन चाहिए, अदरवाइज ज़्यादा टाइम पानी में रहने से आईज डैमेज हो सकती है, आईज को नुकसान हो सकता है। तो इस पर्पस से यहाँ पर जो है निक्टिटेटिंग मैम्ब्रेन्स भी प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन एनिमल्स में, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होंगी, फाइन। नेक्स्ट देखिए क्रेनियल नर्व्स तो आपको मालूम ही है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसे, लेकिन फिर भी क्रेनियल नर्व्स क्या होंगे, नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन, दीज नर्व्स आर नोन एज क्रेनियल नर्व्स, सो एम्फीबियंस हैव 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। नेक्स्ट दे शोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है यहाँ पर, वैसे भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर में आ जाते हैं, तो वाटर में क्योंकि आ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, इसीलिए ये जो है शो करेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जैसे ही फीमेल अपने एग्स रिलीज करेगी यानी कॉपुलेशन एक्ट होगा, तो कॉपुलेशन एक्ट पे जैसे ही वाटर के अंदर फीमेल्स एग रिलीज करेगी, तो जो मेल है वो अपनी स्पर्म जैली उसके ऊपर रिलीज़ कर देते हैं और वाटर में यानी बॉडी से बाहर, फीमेल की बॉडी से बाहर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट इज़ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बट सेलामेंडर इज द एक्सेप्शन, सेलामेंडर में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ओवी पैरस कंडीशन, ओवी मीन्स एग, मीन्स ये दीज एनिमल्स आर एग लेइंग, ये एनिमल्स एग लेइंग एनिमल्स हैं, एग लेइंग कंडीशन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, सेलामेंडर, सेलामेंडर इज विवी पैरस, जो सेलामेंडर है वो कैसा है, विवी पैरस है, और विवी पैरस होना ये एक एडवांस नेचर को, एडवांस करेक्टर को यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहा है। तो जनरली दीज आर ओवी पैरस बट एक्सेप्शनली सेलामेंडर इज विवी पैरस, सेलामेंडर गिव्स बर्थ टू दियर यंग वन। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मोस्टली यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, और जहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है वहाँ पर कोई ना कोई लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होगी, तो जो लार्वल फॉर्म है वो है टैडपोल लार्वा, और ये जो टैडपोल लार्वा है इसके बहुत सारे फीचर्स फिशेस से मिलते जुलते होते हैं, तो ये फिश लाइक अपीयरेंस देता है, टेल भी है इसमें, हर्बीवोरस नेचर है, एक्वेटिक है, थ्रू आउट एक्वेटिक है ये, साथ साथ ये जो है गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, तो ये सारे जो फीचर्स हैं इसके, यानी एक्वेटिक होना, गिल्स से रेस्पिरेशन, टेल इसमें प्रेजेंट है, ये सब जो फीचर्स हैं इसमें, ये फिशेस के साथ इसको कोरिलेट करते हैं एम्फीबियंस को। कॉमन एग्जाम्पल्स इस ग्रुप के जो कॉमन एग्जाम्पल हैं क्लास के, वो हैं फ्रॉग, टोड, हाइला, सेलामेंडर, इक्टियोफिश, ये सब इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, आज हमने डिस्कस किए हैं क्लास एम्फीबिया के कॉमन फीचर्स, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, फाइन। और बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।